केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 25 जनवरी को शिमला दौरा टल गया है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री की व्यवस्था के चलते वे स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हाँ, वे वर्चुअल तरीके से जरूर जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद इस बात की जानकारी दी। वे कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के लिए रिज पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने इस समारोह को सफल और यादगार बनाने के लिए अधिकारियों को व्यापक प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित किया जाए कि समारोह के दौरान आम जनता और पर्यटकों को कोई असुविधा न हो। जयराम ठाकुर ने प्रदर्शनी स्थल का भी दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को प्रदर्शनी को रोचक और आकर्षक बनाने के दिशा निर्देश दिए, ताकि लोगों को राज्य की 50 वर्ष की स्वर्णिम विकास यात्रा की झलक मिल सके। यहाँ कल के इस कार्यक्रम में जो हमारा पूर्ण राज्यत्व का स्वर्ण जयंती समारोह है, इसमें अमित शाह जी जुड़ेंगे और किसी वजह से उनको इस बात के लिए यहाँ आने में कठिनाई हो रही है। हम अभी भी प्रयत्न कर रहे हैं कि वो आए, लेकिन हालात को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए इस बारे में जो भी निर्णय करना होगा वो निर्णय आज शाम तक करेंगे। लेकिन जहाँ तक आदरणीय नड्डा जी, वो कल यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो उनका आने का तय हो गया, उनका कार्यक्रम सारा उनको आ चुका है। और उसके साथ साथ में ये कार्यक्रम बहुत भव्य कार्यक्रम हो, अच्छा कार्यक्रम हो, और हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण जयंती का ये वर्ष पूरा साल जिसको हम मनाने की योजना बना करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ये एक शुरुआत है। और इसके माध्यम से 51 इवेंट्स जो है, 51 कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में एक साल भर हम करेंगे। और हिमाचल के लोगों के लिए ये साल समर्पित रहेगा, जिनकी जिनकी मेहनत से, जिनके सहयोग से हिमाचल प्रदेश ने ये 50 साल का सफर यहाँ तक के लिए, यहाँ तक जो है पूर्ण किया, और जिसमें उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। नहीं, स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का अवसर जो हमको प्राप्त हुआ, इसका हमको भी सौभाग्य है, और हम इस कार्यक्रम को बहुत बेहतर ढंग से पूरे साल भर करेंगे। थैंक यू।